खारघरमधील केंद्रीय विहारमध्ये स्वच्छ भारत अभियानाला चालना देण्याकरिता कंपोस्ट पीठ बसवण्यात आलंय. या सेवाभावी उपक्रमाचे उद्घाटन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते गुरुवारी करण्यात आले. या कंपोस्ट पीठमुळे कोणत्याही प्रकारच्या कचऱ्याचे विल्हेवाट लावणे तसेच परिसर स्वच्छ ठेवण्यास अधिक मदत होणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाला चालना देण्यासाठी खारघर मधील केंद्रीय विहार मधील रहिवाशांनी कंपोस्ट पीठ बसवलंय. या कंपोस्ट पीठच्या सहाय्याने ओल्या कचऱ्याचे विघटन करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे परिसरामध्ये होणारी घाण ही सहजरित्या कमी होणार आहे. या कंपोस्ट पीठच्या उद्घाटनावेळी महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, सभापती डॉक्टर अरुणकुमार भगत, विकास खरात, निलेश पाविसकर, नगरसेवक नरेश ठाकूर, नगरसेविका नेत्रा पाटील, अनिता पाटील, समीर कदम, कीर्ती नवघरे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या भाषणात केंद्रीय विहार मधील रहिवाशांनी केलेल्या उपक्रमाचे कौतुक केले. आज मैंने जो अभिनंदन किया है केंद्रीय विहार का, आपके सारे आप सारे लोगों का, कि आज जो निर्णय यहाँ पर लिया गया है, मैं समझता हूँ कि कितनी जगह उसके लिए लगी होगी, 40 स्क्वायर फुट, 50 स्क्वायर फुट, ज्यादा से ज्यादा 100 स्क्वायर फुट. एक 100 स्क्वायर फुट की जगह में आने वाले 3-4 महीने बाद मैं समझता हूँ कि जब ये फुल फ्लेज ऑपरेशनल होगा, ये केंद्रीय विहार का और केंद्रीय विहार के प्रति बाकी के सोसाइटी का, बाकी के खारघर का, बाकी के कॉर्पोरेशन के एरिया का नजरिया बदल के रहेगा. अगर आज जो कदम आपने सोचा है, आज जिस कदम की ओर आपने शुरुआत की है और जिसकी आज ओपनिंग आपने करवाई है, उसमें 100% आपका योगदान अगर बना रहेगा, आप विश्वास रखेंगे कि जो कदम उठाया है वो बहुत ही सही रहेगा. महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. की सच में पर्यावरण का ही अगर हम देखेंगे तो हमारी शुरुआत गार्बेज से होती है. अदरवाइज अगर हम गार्बेज पे ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा ही गार्बेज पड़ा रहेगा, ये गार्बेज रोड पे जाएगा, बाहर जाएगा और हमारा पोल्यूशन बढ़ता रहेगा. लेकिन ये आपकी शुरुआत जो है तो पर्यावरण की, आप एक फ्रेंडली पर्यावरण के सामने जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी सोसाइटी. सच में मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और आपकी यूनिटी भी इसमें है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है आज इतने सारे संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं. और जैसे कि आमदार साहब ने कहा है कि अभी ये हमारी पनवेल महानगर पालिका नहीं है और आपका जो एक खारघर है वो बहुत जल्दी अपने पनवेल महानगर पालिका की तरफ हैंड ओवर होने वाला है. और सारा काम जो है हमारे सभापति जी, हमारे सब नगर सेवक, नगर सेविका मिल के आपको हेल्प करने वाले हैं. हमें भी आपकी सहायता की आवश्यकता है, इसी तरह से आपका सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं.